मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम को सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप ठीक कर सकते हो। अगर आपके भी मोबाइल में मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, सिम कार्ड आपने डाल के रखा है लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो इसको 1 मिनट के अंदर आप ठीक कर सकते हो। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स को बंद कर देते हैं या फिर चैटिंग के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, 1 मिनट के अंदर आप ठीक कर सकते हो। इसको ठीक करने के लिए आप अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप को कर लीजिए ओपन, ठीक है। आपके मोबाइल में सेटिंग वाला ऐप मिलेगा, इसको ओपन करना। अब इसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का नाम देखने को मिलेगा, हे वाला। हो सकता है ये नाम आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो आपको यह ढूंढना है और इसको करना है ओपन। इसको कर ओपन करने के बाद सिम वन का ऑप्शन है, अगर आपका सिम वन में प्रॉब्लम है तो उसको ओपन करना, सिम टू में प्रॉब्लम है तो उसको ओपन करना। हमारा सिम वन है तो इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए अनेबल, अनेबल क्या गया यहाँ पे, बंद है सेटिंग, इसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह सेटिंग को चालू करना पड़ेगा, चालू करने के बाद और भी सेटिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम चालू करेंगे, अनेबलिंग इस तरीके से होगा और नेटवर्क अभी आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है, तब तक वेट करेंगे। इसके बाद देख लेना नेटवर्क ऊपर आ गया, ठीक है। अब नेटवर्क आने के बाद आपको नीचे आना है और एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क देख लीजिए आ गया। अब एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पे टू डॉट मिलेगा, इस पर टच करना और रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक कर देना। इसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। अब आपकी सेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आपको बैक करना है और यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ऑटो सेलेक्ट है तो इसको बंद कर देना, ठीक है, इसको बंद कर देना। इसके बाद सर्चिंग होगा और आपके पास ओरिजिनल नेटवर्क आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, सर्चिंग होगा और हमारा ओरिजिनल नेटवर्क आ जाएगा, तो यहाँ पे बाद में हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए जियो 4G आ गया, अब इसको हम चालू कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए सेट टू ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, अब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक यहाँ पे बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम को इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। हम मिलेंगे दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।